ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने CNC नंबर डालना है। चलिए मैं यही शनाती कार्ड का नंबर इधर तो क्लिक करना है। देखिए डाटा लेना, ये जरूरत अगर आपके CNC के ऊपर जो है आपको बताया जाता है कि आप 4 मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है, तो आप उनको अगर आपने इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या, अब यहाँ पर हमने इस चीज के बारे में पता करना है कि जो हमें हमारे CNC के ऊपर जो है वो जो सिम से रजिस्टर्ड है उनका नंबर्स क्या है। तो चलिए आपने करना क्या है, आपको दोबारा जाना है राइट मैसेज के अंदर, और राइट मैसेज के अंदर जाने के बाद जो है आपने जो है यहाँ पर टाइप करना है 6001 और यहाँ पर CNC आपने टाइप करना है। अगर आप चेस की जो है वो सिम की इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं कि आपके CNC के ऊपर चेस की कितने सिम है, तो बाकी के नेटवर्क क्या है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले जैस वाले के जो है अपने सिम्स की अपनी डेयर हासिल करनी है, तो आपने 6001 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड साइन करना है। मैं अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पर टाइप कर ली है, और करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर इसको सेंड कर देता हूँ। तो सेंड करने के बाद चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, और मेरा मैसेज इसको का सेंड हो गया है, और सेंड होने के अभी देखने के हमारे कुछ इसकी जो है वो अपने मोबाइल ओके जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा लिखा आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ CNC नंबर के ऊपर जो है वो टोटल 1 सिम रजिस्टर्ड है, और उसका ये मोबाइल नंबर है वेरीफाइड 1 है और अनवेरीफाइड 0 है। यानी कि तमाम जितनी भी सिम्स हैं उसके नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो है वो रिसीव हो चुके हैं। तो ये अगर आप JSP नंबर की डिटेल हासिल करना चाहते